पंप पर कर्मी ने ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? ऐसा क्या हुआ जो लोगों ने किए ड्राइवरों की गाड़ी के टायर पंचर? ड्राइवर और खलासी की हत्या से सनसनी, ट्रक के पास मिली लाशें। कब और कहां की ये खबरें आपको बताएंगे आज के इस जीटी रोड 10 प्रोग्राम में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिमोना शर्मा और आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। बेकदरी ड्राइवर की हो रही है। इस कंपनी जो भी चलाएगा ड्राइवर, जो भी कूट खा के देख लो, पंप वाले हैं भैया, जगह ना मथुरा पंप, अग्रवाल पंप, मथुरा पंप। ये ड्राइवरों के लिए संदेश है। ड्राइवर को मारा, बताओ आरसीआई के ड्राइवर को मारा, इसको मारा। ये देखो ये खड़ा है, गाड़ी पंप से डाल रहे हैं। वो गाड़ी खड़ी ले देखो, मैं अब बताओ। ये भाई साहब कौन मारा है? ये तुम बात करो, मुझको चप्पल लगा रहा था। तेरे सीसीटीवी कैमरे बताएंगे सवेरे। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के कर्मियों के बीच हुई गर्मा गर्मी। यही नहीं, पंप पे कर्मियों ने ड्राइवर को थप्पड़ तक जड़ दिया। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर हंगामा मचा हुआ है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि ड्राइवर ने कहा कि वह अपनी मर्जी से दूसरे पंप पर तेल डलवाएगा, ना कि पंप वालों की बताई गई मशीन पर। ड्राइवर का आरोप है कि उनकी मशीनों में गड़बड़ी है। ड्राइवर का कहना है कि उनकी गाड़ी में तेल पूरा नहीं डाला गया। जब ड्राइवर ने अपनी मर्जी से तेल डलवाने की बात की तो आग बबूला पंप कर्मी ने ड्राइवर को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये घटना मथुरा की बताई जा रही है। मोतीबाग के पास दिल्ली में खड़ी गाड़ियों के टायरों को पेचकस और सुआ मार कर पंचर कर दिया गया, जिसके बाद वहां पर गर्मा गर्मी का माहौल हो गया। इस दौरान जिन गाड़ियों का नुकसान हुआ, उन ड्राइवरों का कहना था कि अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी थी तो कंप्लेन की जा सकती थी, ताकि गाड़ियों को पार करने का स्थान मिल सके। लेकिन वहां के लोकल लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे कंप्लेन भी दर्ज नहीं की और खुद ही एक्शन ले लिया, यानी कि गाड़ियों के टायर पंचर कर दिए। ग्रुप च पा दे यार। हेलो वीर जी, सत श्री अकाल सारे वीरां भरावां नूं, जिन्हें ग्रुप वाले मेरे वीर अपने, जिन्हें वीर चंडीगढ़, अंबरसर, जलंधर तो जां लुधियाने तो चलते मेरे वीर, जिन्हें भी मोतीबाग आप इत्थे गड्डियां डकदे आ ना, इत्थों दे लोकल पुलिस और लोकल जो इत्थों दे हैगे आ वसनीक, वह इत्थे आ गए गड्डियां दे विच सूए मार मार के गड्डियां पंचर कर रहे आ। नशे में था ड्राइवर, हादसा होते होते बचा। बुटर कला गाँव के पास बरनाला से मोगा रोड पर हादसा होते होते बच गया, क्योंकि पीआरटीसी बस ड्राइवर नशे में था। आप वीडियो में भी देख सकते हैं उसकी ये हरकत। ये बात पता चलने पर सवारियों ने बस ड्राइवर पर अपना गुस्सा निकाला। ड्राइवर दी फुल दारू पीती दी है, पूरी ड्राइवर दी दारू पीती है, तो लोया बैठा। अब भाई सारियां सवारियां नु पता दारू पीती है जी, पीआरटीसी वाला। गड्ढों की समस्या एक बार फिर से सामने आई है, जिनको भरने की मांग की गई है। कब और कहां की है ये खबर आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। दोस्तों, आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर गड्ढों की समस्या एक बार फिर से खुलकर सामने आई है, जिनको भरने की पिछले 2 महीनों से मांग की जा रही है। इतने विरोध के बावजूद भी गड्ढे नहीं भरे गए। हालांकि टोल वालों को कई जिम्मेदार लोगों ने संपर्क कर इसका हल किए जाने की बात की, पर कोई सुनवाई नहीं की गई। जिसे देखते हुए वहां के लोगों ने कहा कि या तो राजमार्ग को गड्ढे से मुक्त करें या फिर टोल वसूली को रोकें। अब देखना ये है कि क्या फैसला लिया जाता है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तो बंदे ने 10 लाख रुपए का ठेका ले रखा है, ड्राइवरों लोग से पैसे पूरे करने हैं इन्होंने, ठीक है ना। इस आदमी ने 10 लाख का ठेका ले रखा है ड्राइवरों से पैसे पूरे करने का, ऐसा कहना है ड्राइवर का। 5-5 किलोमीटर पर खड़े होते हैं ये लोकल लोग नगर निगम की पर्ची काटने के लिए। ड्राइवर ने इस बात का वीडियो बनाया। ड्राइवर का कहना है कि कहीं 50 तो कहीं 100 रुपए लिए जाते हैं, जिस पर गाड़ी वालों का ये कहना था कि हर तरीके का रोड टैक्स भरने के बाद भी क्या इन पर्चियों की कमी रह जाती है। ये वीडियो ड्राइवर के द्वारा मध्य प्रदेश से बनाया गया है। छपरा के रहने वाले ड्राइवर और खलासी की अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी, जिनकी डेड बॉडी ट्रक के बगल में महेश खूंट थाना क्षेत्र में NH 31 के पास पड़ी मिली। मौके पर ही वहां पर पुलिस भी पहुंच गई और एक सूचना के अनुसार इस मामले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
हालांकि असल वजह पता नहीं चल पाई है, लेकिन वहां के लोगों का ये कहना है कि यहां पर लूटपाट होती रहती है। एक जानकारी के अनुसार ये वारदात तब हुई जब ट्रक बरौनी से जलपाईगुड़ी के लिए जा रहा था। ड्राइवर ब्रेक लगाता है, इतना मीटर का पुल होता है, गाड़ी स्पीड रहेगा तो उसको तो बचाना है। क्या कह के रोकता, जबरदस्ती रोक देता है, जबरदस्ती रोकता है, जबरदस्ती में। अब सामने से अगर देती, सामने से अगर रोके कि हम तुमको मार देंगे तो ड्राइवर इतना थोड़ी भी छोड़ देगा उसको, लेकिन गाड़ी सटा देता है। गाड़ी बड़ी गाड़ी है, हम लोग को 16 चक्का गाड़ी है, फिर हम लोग ब्रेक लगाते हैं, इतना में टिकअप कर लेता है। अब दो पैसा दो, मोबाइल दो, नहीं दो तो बस लो। जम्मू कश्मीर के काजीकुंड में जम्मू कश्मीर ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर यूनियन के तरफ से डाला बंद करने की मांग की गई है, जिसका वीडियो हमें भेजा है मोहम्मद मुश्ताक मीर ने। उनका भी यही कहना है कि सभी गाड़ी मालिक और चालक को मिलकर इसमें साथ देना चाहिए ताकि लोडिंग अनलोडिंग डाला बंद हो सके। टोल पर हुई ओवरलोड को लेकर बहस, टोल बूथ पर लगे कांटों पर गाड़ी को ओवरलोड बताया गया, जिस पर ड्राइवर का कहना था कि गाड़ी अंडरलोड है, दूसरे कांटे पर ले चलो, लेकिन इस बात पर दोनों पक्षों में बहस छिड़ गई और आखिर में ड्राइवर से ओवरलोड का टैक्स वसूल लिया गया, जिसका वीडियो ड्राइवर लवप्रीत ने बनाकर हमें भेजा है। लुधियाना पंजाब की एक घटना बताई जा रही है। आखिर कब तक होती रहेगी ड्राइवरों के साथ ऐसी ज्यादती, जब रोड पर हर तरीके का टैक्स दिया जाए मगर चलना पड़े एक खस्ते रोड पर, तो फिर ऐसे बहस का सामने आना स्वाभाविक है। सब यही है, जिसको देखो बस, मेरे पास नहीं है काम, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक बात कर सकते हो क्या? बात तो ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन करो। क्या बात नहीं करने का? अरे क्या बको। रोज के भ्रष्टाचार से परेशान होकर ड्राइवर ने लिखे सरकार के खिलाफ स्लोगन। गाड़ी मालिक है फकरुद्दीन, जिनकी ये खुद की गाड़ी है। ऐसा करने का उनका मकसद ये है कि गाड़ी चालक और मालिक दोनों जागरूक हो जाएं और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें और हर राज्य में होने वाली अवैध वसूली को रोकने की कोशिश करें, ताकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में खासकर ट्रक ड्राइवरों का कारोबार तरक्की करे। ड्राइवर का ये भी कहना है कि सड़कों पर फैले भ्रष्टाचार की वजह से गाड़ी चालक व मालिक ट्रांसपोर्ट लाइन छोड़ने तक को तैयार है। आप देख रहे थे जीटी रोड 10, लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ, आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है, कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं, बस आरसी और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है, चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।